चलिए तैयार है सब ऑनलाइन सत्र के लिए। सुप्रभात, हिंदी कक्षा में सभी तैयार है? बहुत अच्छे। सर्वप्रथम दिशा निर्देश सभी जानते हैं, रफ कार्य पुस्तिका पेंसिल रबर साथ लेकर बैठे ताकि हम कक्षा में कुछ मुख्य बिंदु अवश्य ही लिख सकें। सर्वप्रथम आप सभी के आवेदन द्वारा भाषा बोध की जानकारी के लिए मुझसे कहा गया था, अध्यापिका जी शब्द भंडार फिर से दिखाए जाएं, आज उनको दोहराया जा रहा है, तो आप अवश्य ही ध्यान पूर्वक कक्षा में सुने। जी हाँ, और कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चलिए, वीडियो सबकी ऑन, क्योंकि कक्षा की उपस्थिति के लिए यह रखना बहुत आवश्यक है। कक्षा तैयार है? आप सभी के बार बार पूछने पर मैंने पुनः इस भाषा बोध को दोहराया है कि आपने जो वर्कशीट या इसमें जो अभ्यास पत्र था, आपने उसका आनंद फिर से लेना है, तो आप एक बार देखें और कक्षा में सुनते रहें। आशा आज बहुत खुश था। उसके पिताजी उसके लिए नए जूते लाए थे। पाशा नए जूते पहनकर खेलने के लिए गया। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़का उदास होकर बैठा है। पाशा के पूछने पर पता चला कि उसके जूते पुराने होकर फट गए हैं। पाशा ने तुरंत उसे अपने जूते दिए और वह लड़का खुश हो गया। प्रस्तुत कहानी में खुश और नए शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले उदास और पुराने, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात विलोम अर्थ बता रहे हैं। तो यह थे विलोम अर्थ। विलोम अर्थ जो बता रहा है, उल्टा दे रहा है, नए पुराने, ठीक है, प्रसन्न उदास, सुख दुख, ये आप सबने दोहराए हुए हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खुश उदास, नया पुराना। आइए विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। ऊंचा का विलोम शब्द नीचा है। अच्छा का विलोम शब्द बुरा है। मोटा का विलोम शब्द पतला है। मीठा का विलोम शब्द कड़वा है। आगे का विलोम शब्द पीछे है। खुश का विलोम शब्द उदास है। सच का विलोम शब्द झूठ है। नया का विलोम शब्द पुराना है। सुंदर का विलोम शब्द कुरूप या असुंदर है। जीत का विलोम शब्द हार है। जागना का विलोम शब्द सोना है। समझदार का विलोम शब्द मूर्ख है। तो यह था विलोम शब्दों का अभ्यास, जो एक दूसरे का उल्टा दे रहा था। आगे बढ़ रहे हैं, आगे सुनेंगे। अब है बारी पर्यायवाची की। पर्याय एक दूसरे का एक एक से ज्यादा अर्थ जो देता है, ठीक है। जिया और पाशा बगीचे में खेल रहे हैं। तभी जिया पाशा से कहती है, अरे यह वृक्ष तो देखो कितना विशाल है, और उस पर बैठा हुआ विहक तो देखो। इस बगीचे के कुसुम की सुगंध तो मन मोह लेती है। अब आप बताइए, यहाँ पर जिया ने कौन से नए शब्द प्रयोग किए? जल्दी से चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए मुझे बताएं, जिया ने पाशा को बगीचे के अंदर क्या क्या नया बताया? विहग, जी हाँ, और कुसुम, जी हाँ। चलिए आगे सुनते हैं। अच्छा, पाशा ने क्या उत्तर जाना होगा इसका? विहग का क्या उत्तर है?
विहग का पर्याय, पर्यायवाची। जी हाँ, उत्तर दीजिए चैट बॉक्स द्वारा ही। विद्यार्थियों, आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है कक्षा में। यदि आपकी वीडियो ऑन नहीं है, कनिष्क बंसल, वीडियो ऑफ है, इसका मतलब आप कक्षा में उपस्थित नहीं है। तो क्या है विहग का? विहग का पर्यायवाची, सोचिए जरा, यह नया शब्द आप दोहरा रहे हैं, आप सबने ये पहले भी सुना है। जी हाँ, पक्षी। रे, वृक्ष, विहग और कुसुम, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे, वृक्ष, विहग और कुसुम का अर्थ क्रमशः पेड़, पक्षी और फूल होता है। हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं और इससे उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। यह शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं। इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो समानार्थी, जब हम पूछे गए शब्द का एक अर्थ बताते हैं, हमें समानार्थी में एक ही अर्थ काफी है, लेकिन जब भी पर्याय पूछा जाए, ये कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए। पर्याय क्या है, विलोम क्या है, समानार्थी क्या है? पर्यायवाची हमेशा जो पूछा गया है उस शब्द का आपको दो, यदि आपको दो से ज्यादा उसके सही अर्थ पता है तो आप उससे ज्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन दो लिखना अति आवश्यक होता है। दो अर्थ, जैसे अभी मुझे जिया ने बताया, खग, विहग, पक्षी, पेड़ का बताया वृक्ष, तरु, विटक। यदि पेड़ का मुझसे समानार्थी पूछा जाता तो हम पेड़ का वृक्ष भी लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। भाषा के वे शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। आगे बढ़े। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं पेड़, विटप, तरु। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं पंछी, खग, विहग। फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, कुसुम, सुमन। रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, निशा, रजनी। पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं किताब, ग्रंथ, पोथी। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, सलिल। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, सिंधु, जलधि। गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। तो यह था भाषा बोध पर्याय शब्दों का। उस शब्द का, पूछे गए शब्द का, चाहे वह वृक्ष है, पक्षी है, फूल है, रात है, पुस्तक है, इनका हमने जब पर्याय बताया, पूछे गए शब्द का एक, एक से ज्यादा अर्थ। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य के भाव के अनुसार प्रयोग होता है। पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। देखा, इस प्रकार शब्द भंडार हमारा बढ़ता ही जाता है जितना हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो मुझे आशा है आप सब ने इन दोनों का, जहां आप बार बार सोच विचार कर रहे थे और आपने मुझसे निरंतर इसके बारे में पूछा, इसीलिए आपकी सहायता हेतु मैंने इसे पुनः दोहराया है। आपके प्रस्तुत पाठों, भोजन की थाली, आपने पीडीएफ देखा होगा, पेड़ लगाओ कविता, इन दोनों में भाषा ज्ञान इसी पर आधारित है।
भाषा बोध की जानकारी यहीं से प्राप्त हुई है। आगे देखें, हमने किया था बादल, घन, जलधर, आंख, चक्षु, और क्या है आंख का? जरा उत्तर आ जाए चैट बॉक्स में, सोचिए और बताइए। नयन, बहुत अच्छा। फूल, पुष्प, जरा उत्तर आ जाए। अभी भावुक उत्तर ना दें। जी हाँ, कुसुम, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ रही हूं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने किए थे जहां आप सोच विचार कर रहे थे कि हाँ यह क्या होते हैं। वाक्यांश जहां पर वाक्य दिया गया है और आपने उसका प्रयोग किया। वाक्यांश शब्दों का ऐसा संग्रह जहां पर आपने शब्द संग्रह के स्थान पर एक शब्द प्रयोग कर लिया, ठीक है ना? आपने सीखा था ना, वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना। तो देखो, वृक्ष लगाना के स्थान पर आपने वृक्षारोपण शब्द नया सीखा था। पुष्ट, जो हमें चुस्त रखता है। तो जब हम शब्दों के वाक्यांश अगर लिखा गया है, हम उसके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करें, वह होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना। जहां पर तरह तरह के पशु पक्षियों को रखा जाता है, अर्थात चिड़ियाघर। जी हाँ, आगे सुनिए उत्तर और चैट बॉक्स में प्रश्न पूछते रहिए। ठीक है, मैं वर्ण विच्छेद में भी पहुंच रही हूं। अश्रु के वर्ण विच्छेद में क्या श्र का भी विच्छेद करेंगे? मैं वहां पर भी पहुंच रही हूं विद्यार्थियों। अश्रु में देखिए, श्र स्वयं संयुक्ताक्षर है ना, तो श्र के लिए क्या बताया था? श और र आएगा। युवेन, बहुत अच्छे, इसका मतलब आप अभ्यास कर रहे हैं। जी हाँ, मैं वर्ण विच्छेद पर भी पहुंचूंगी आज की कक्षा, आपके भाषा बोध के पूरे। जी हाँ, बहुत अच्छे, आगे सुनिए। अब आशा है युवेन आपको समझ आ गया होगा श्र अर्थात श्र, श और र। मैं वर्ण विच्छेद पर उदाहरण इसी के बाद पहुंच रही हूं। हम सब कल चिड़ियाघर घूमने गए थे, जहां विभिन्न पशु पक्षियों को पिंजरों में देखने के लिए रखा जाता है। उक्त वाक्य में जहां पशु पक्षियों को पिंजरों में देखने के लिए रखा जाता है, वाक्यांश के स्थान पर चिड़ियाघर यानी एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारी भाषा को संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाती है। इनके प्रयोग से हम समय की बचत करते हुए कम शब्दों में अधिक कहने की कला सीखते हैं। अर्घम गर्ग, आप कक्षा में हैं चाइल्ड, काइंडली सिट प्रॉपरली, यू आर इन अ क्लासरूम। डियर पेरेंट्स, ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास प्लीज चेक द चाइल्ड इज सिटिंग इन अ प्रॉपर वे, हाउ द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द स्कूल ऑन द प्रॉपर चेयर। थैंक यू। सीखना और समझना, कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो हम साधारणतः उपयोग करते हैं। इनका प्रयोग वाक्य को प्रभावी बना देता है। वाक्यांश जो पढ़ा लिखा न हो, एक शब्द अनपढ़। वाक्यांश जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जिसमें बल न हो, निर्बल। जिसका कोई अंत न हो,
अनंत, जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित, जो जल में रहता हो, जलचर। अच्छा, जो जल में रहता हो जलचर हमें समझ आ गया, और जो आकाश में उड़ता हो, उदाहरण दूं, आकाश को हम नभ भी कहते हैं, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या देंगे, जो आकाश में उड़ता है। चर मतलब विचरना, बहुत अच्छा, नभचर, शाबाश, नभचर। आगे बढ़ते हैं प्रयोग। अब कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द को वाक्यों में प्रयोग करके देखें। उदाहरण एक, अर्चना एक चित्र बनाने वाली व्यक्ति है। अर्चना एक चित्रकार है। उदाहरण दो। चलिए इस बीच में जल्दी से उत्तर भी दीजिए। पढ़ाने वाला शिक्षक, जो सीख रहा है, आप जो सुन रहे हैं, यानी कि विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी। बहुत अच्छा, आगे सुनेंगे। प्रकाश के हृदय में दया है, प्रकाश दयालु है। प्रयोग। उदाहरण तीन, मिनी और राजीव मेरे साथ पढ़ते हैं। मिनी और राजीव मेरे सहपाठी हैं। उदाहरण चार, हमारी शिक्षिका सब कुछ जानती हैं। हमारी शिक्षिका सर्वज्ञ हैं। तो आपने देखा, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमने किस प्रकार मित्र के स्थान पर जो मेरे साथ पढ़ता है, हमने सहपाठी शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? सहपाठी। इसके अलावा शिक्षिका सब कुछ जानती है, सब कुछ जानने वाला। तो आपने क्या प्रयोग किया? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला आपने प्रयोग किया। सर्वज्ञ हमारी भाषा को प्रभावशाली रूप देते हैं, हमारी भाषा और भी सुंदर लगती है सुनने में, पढ़ने में, समझने में, है ना। हिंदी कितनी रोचक, सरल और स्पष्ट, यदि हम इसके इसमें केवल अपना रुचि ज्यादा रखें। याद रखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारी भाषा को संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाता है। इनके प्रयोग से हम समय की बचत करते हुए कम शब्दों में अधिक कहने की कला सीखते हैं। इनका प्रयोग भाषा को सुगठित तथा प्रभावी बनाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, भाषा को बहुत ज्यादा संक्षिप्त प्रभावशाली बनाना ही एक वाक्यांश, ये एक प्रकार की कला है, जहां पर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, शब्द भंडार का पिटारा भर चुका है और आपने निरंतर इसका अभ्यास करना है, ठीक है। मुझे आशा है जो जिन जिन विद्यार्थियों को इस कक्षा में ज्यादा रुचि थी और वे चाहते थे कि अध्यापिका जी से पुनः दिखाएं, मैंने आपकी चैट द्वारा ही इसे आपके ही आवेदन से पुनः दिखाया है कि हाँ जी, इसमें आपने क्या सीखा था। आगे बढ़ रहे हैं, अब जल्दी से मैं आगे, जब तक मैं अगली स्लाइड शो करूं, आप उतनी देर में अपनी कार्य पुस्तिका, पेंसिल, रबड़ तैयार कर लीजिए। चलिए, अध्यापिका जी की काउंटिंग शुरू होने वाले ही है और उतनी ही जल्दी आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब अध्यापिका जी आपको श्रुतलेख शब्द दे रही हैं। आज की डेट डालेंगे, दिनांक डालिए, श्रुतलेख लिखिए, क्योंकि अभ्यास कार्य करना है। आज हमने वर्ण विच्छेद का, तैयार है सभी, खोल चुके हैं, श्रुतलेख रिएक्शंस का यूज करके आप मुझे थम्स अप शो कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जी हाँ, तैयार है, श्रुतलेख का पहला शब्द है स्वादिष्ट।
स्वादिष्ट। प्रत्येक शब्द तीन बार दोहराया जा रहा है, स्वादिष्ट। दूसरा शब्द पौष्टिक। दूसरा शब्द पौष्टिक। पौष्टिक। तीसरा शब्द लिखेंगे मुश्किल। मुश्किल। तीसरा शब्द हरमीत सिंह, श्रुतलेख चल रही है और आप लिख नहीं रहे। हरमीत आप लिख नहीं रहे। हम तीन शब्द बोल चुके हैं, तीसरे शब्द से प्रारंभ करें ताकि आपके बाकी शब्द ना छूटे। मुश्किल, तीसरा शब्द लिखिए मुश्किल। चौथा शब्द हरियाली। 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 मैं देख रही हूं कितने उत्साह से उत्तर लिखने के बाद उत्साहित चेहरे नजर आ रहे हैं। हरियाली के बाद वृक्ष। वृक्ष। छठा आखिरी शब्द है कबीर। छठा आखिरी शब्द है कबीर। पुनः श्रुतलेक शब्द दोहरा रही हूं, सुनिए जरा। जिसका जो शब्द छूट गया हो अभी स्वयं लिखेंगे। पहला शब्द स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। जिनके पूरे हो चुके हैं वो कैमरा में फ्लिप करके दिखा सकते हैं कार्य पुस्तिका। स्वादिष्ट। पौष्टिक। जी हाँ मैं देख सकती हूं, दिस ओपो F9 प्रो काइंडली रीनेम। काइंडली एंटर दिस चाइल्ड नेम दिस ओपो F9 प्रो। पौष्टिक, मुश्किल, हरियाली, वृक्ष, कबीर। कबीर। रिएक्शन द्वारा बताएं, लिख लिया होगा सबने। जी हाँ लिख चुके हैं। अब बिल्कुल ईमानदारी द्वारा अपने श्रुतलेख शब्दों को स्वयं जांच करेंगे। आपकी स्क्रीन पर श्रुतलेख शब्द आ रहे हैं, आप स्वयं जांच करेंगे और जिसके सभी सही हो अपने लिए स्टार देंगे और जिसका चलिए कोई बात नहीं एक गलत है अपने लिए स्माइली देंगे। मुझे रिएक्शन द्वारा चैट बॉक्स द्वारा लिखकर बताएंगे और चलिए कोई बात नहीं अगर किसी का अभ्यास कम हुआ है तो वह निरंतर अभ्यास करेंगे। अभिभावक इस प्रकार का अभ्यास निरंतर लेते रहें ताकि लेखन कौशल भी श्रवण कौशल की तरह अच्छा बन सके। चलिए आप देख रहे हैं उत्तर आपकी स्क्रीन पर।
स्वयं स्वयं जांच की जानी है। कक्षा में भी आप अपनी श्रुतलेख की जांच स्वयं ही करते हैं। स्वादिष्ट, पौष्टिक, शाबाश, जिनके सारे सही हैं। स्टार भी मिला है और स्माइली भी मिला है, मैं देख रही हूँ। स्वादिष्ट, पौष्टिक, मुश्किल, जिनके सभी शब्द सही हैं, मैं देख रही हूँ। अभिभावक, उन्हें स्टार दें, विद्यार्थी स्वयं भी दे सकते हैं। मुश्किल, हरियाली, वृक्ष और कबीर। चलिए ये चेक हो गया, इसकी जांच कर ली आप सभी ने। अब ध्यान पूर्वक सुने, अब क्या करना है इसके बाद। कोई बात नहीं, जिसके दो गलत है, तीन गलत है, कोई बात नहीं, ईमानदारी के साथ कार्य किया है, यही बहुत अच्छी बात है। आप सभी ने ऐसा निरंतर अभ्यास करना है। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, क्या करना है। आपने दिए गए श्रुतलेख शब्दों का वर्ण विच्छेद प्रारंभ कर दीजिए। वर्ण विच्छेद, मैं उत्तर फिर इसके बाद आपको दिखा रही हूं। वर्ण विच्छेद, जी हाँ विवान, मैं आपकी कार्यपुस्तिका देख रही हूं। जी हाँ, आप अब इनका वर्ण विच्छेद प्रारंभ करें। स, स आधा, स हलंत, उत्तर आ चुका है, उत्तर आ चुका है। स हलंत जमा व, आपको वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद, जो आप श्रुतलेख देख रहे हैं इनका वर्ण विच्छेद। स हलंत जमा व, हलंत जमा आ, जमा द, हलंत जमा ई, जमा श, हलंत। मैं आप ही के उत्तर देख रही हूँ जो आप मुझे दे रहे हैं, मैं आप ही के उत्तरों द्वारा आपके प्रश्नों की बात पढ़ रही हूँ। वर्ण विच्छेद, अपने वर्णों को तोड़ना, हमने अपनी पिछली कक्षा में यह दोहराया था। ठीक है, पौष्टिक, प हलंत जमा ओ, जमा क्या आएगा, ई या श क्या आएगा। जी हाँ, श जमा ट हलंत। हलंत और स्वर का प्रयोग अति आवश्यक है। हरियश, आप वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे। हरियश वर्मा, दिव्यांश गुप्ता, आप बिना कार्य पुस्तिका पेंसिल रबड़ के साथ बैठे हैं, आपने कक्षा कार्य नहीं किया श्रुतलेख शब्द और वर्ण विच्छेद। जी हाँ दिव्यांश गुप्ता, चलिए मुश्किल, म हलंत जमा उ,
जमा श हलंत। श के साथ कोई भी स्वर प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर श हलंत के साथ छोड़ दिया जाएगा। जमा क जमा ई। बहुत अच्छे उत्तर आए। चलिए अब उत्तर देख रहे हैं आप अपनी स्लाइड पर, आप चेक करेंगे। एक बार वृक्ष का कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं उत्तर वाली स्लाइड आपके साथ शेयर करती हूँ। वृक्ष, वृक्ष का कैसे करेंगे? व के साथ में क्या है? वृक्ष। र नहीं है, नहीं, व हलंत जमा री। जमा क, क के साथ में श अवश्य आएगा। आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद। ऐसे किया था हमने वर्ण विच्छेद, मैंने पंचमा अक्षर के बाद इसकी कक्षा आप सभी को समझाई थी। यह है इन शब्दों का वर्ण विच्छेद। री, वृक्ष। इसका अभी निरंतर अभ्यास करेंगे, कोई बात नहीं, इसे पुनः दोहराया भी जाएगा। विद्वान गुप्ता, कोई बात नहीं, मैं आपके शब्द पढ़ रही हूं और मुझे समझ भी आ रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपके उत्तर जाने हैं। नित्या जैन, ये हमें निरंतर अभ्यास से आता है, हम इसे पुनः दोहराएंगे, कोई बात नहीं। अगर आज अभ्यास असफल हुआ, आप अवश्य ही अगले अभ्यास में स्वयं कर पाएंगे। आप सभी के उत्तर मैं जान पा रही हूं, परंतु यह संभव नहीं सभी का नाम लिया जा सके। आप सभी के चैट मेरे पास है, मैं अवश्य ही आपके सभी उत्तर अवश्य दूंगी। जहां आपको लगता है कि आप स्वयं नहीं समझ पा रहे, अध्यापिका जी आपको पुनः समझाएंगे। कुछ बता रहे हैं हमारे सभी सही हैं, मैं यह भी देख पा रही हूं, कोई बात नहीं। तो यह था वर्ण विच्छेद। अब जरा कार्य पुस्तिका, पेंसिल, रबर अपना अपने से कुछ पल के लिए अलग कर एक बहुत अच्छी कहानी सुने, और कहानी से आपने क्या सीखा फिर मुझे बताएं। आइए कहानी के लिए तैयार है? एक मिनट, दो समय ही धन है। पाठशाला से घर लौटा है, माँ ने कहा, अजय बेटा क्या बात है, परीक्षा में प्रश्न पत्र
ठीक नहीं था क्या? अजय ने कहा। माँ, मैं स्कूल देर से पहुँचा, मेरी बस छूट गई थी। पिताजी ने कहा। बेटा, समय की परवाह करनी चाहिए, समय का बड़ा महत्व है। अजय ने कहा। पिताजी, समय न रहते मैं पूरा प्रश्न पत्र हल न कर पाया, आखिरी प्रश्न रह गया। पिताजी ने कहा। तुम्हें मालूम है कि वक्त पर स्टेशन न पहुँचे तो गाड़ी छूट जाती है। माँ ने कहा। अजय, ये सच है कि समय के अभाव में अच्छे अच्छे मौके अपने हाथ से निकल जाते हैं। पिताजी ने कहा। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय ही धन है, वह अनमोल है। अजय ने कहा। माँ, अब मैं वादा करता हूँ कि अपना हर काम ठीक समय पर ही करूँगा। बेटा, सभी महापुरुष समय के पाबंद थे, जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेता समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना अपना काम ठीक समय पर किया करते थे। उनके जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए उन्हें जीवन में सफलता मिली थी। पिताजी ने कहा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अजय, तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। तो यह थी कहानी जो आपने सुनी कि समय का आपने जाना कि हमारे लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। हम निरंतर इस समय का पालन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। तो समय का ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम सभी अभ्यास कार्य लिखें। आज के अभ्यास कार्य में कल आपके साथ कक्षा में पाठ भोजन की थाली के पुनरावृत्ति की जाएगी।